माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पुन्हा एकदा भेट घेतली असून राज्य सरकारला जाब विचारण्याची मागणी केली आहे. राज्यात अघोषित आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण करून पत्रकार संपादकांमध्ये दहशत निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. माध्यमांची मुस्काटदाबी आणि अभिव्यक्तीची गळचेपी थांबवा अशी मागणी यावेळी फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय राज्यपाल जी की मुलाकात लेकर हमको निवेदन सौंपा है. एक प्रकार से महाराष्ट्र में इमरजेंसी लागू करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है. जिस प्रकार से माध्यमों पर दबाव डाला जा रहा है, पहले एबीपी माझा के एक वार्ताहर को अरेस्ट किया गया, उसके बाद टाइम्स नाउ के एक सीनियर एडिटर के नाम से गृह मंत्री ने पत्र लिखा, क्राइम ब्रांच उनके ऊपर एक्शन ले, उसके बाद कल ही रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी इनको 12 घंटे तक पुलिस ने बैठा कर रखा और 12 घंटे उनकी जांच की. महाराष्ट्र में जो गुनहगार है उनकी जांच नहीं होती, उनको तो फ्री पासेस मिलते हैं, लेकिन एडिटर को 12-12 घंटे बैठा कर रखा जाता है और उनके ऊपर दबाव लाया जाता है. इतना ही नहीं तो सोशल मीडिया में एक अक्षर भी अगर सरकार के खिलाफ कोई लिखे तो पुलिस उसको पकड़ती है और माफी मांगने लगाती है. एक प्रकार का क्या आपातकाल महाराष्ट्र में लागू किया गया है और इसके खिलाफ आज हमने माननीय राज्यपाल जी को निवेदन दिया है और उनसे विनती की है कि वे सरकार को निर्देश दें और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने, भारत के संविधान ने हमको जो मौलिक अधिकार दिया है उस अधिकार का आनंद हो, अभिव्यक्ति का हमारा स्वतंत्र ये बाधित रहे, इस प्रकार का निवेदन हमने किया. ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.